वेलकम टू द YouTube चैनल ऑफ 30 मिनट। मिलेनियल्स के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि अभी लाइफ खुल के जिए कि फ्यूचर के लिए सेव करें। द आंसर लाइज इन स्ट्राइकिंग अ बैलेंस। हमारे डिजायर्स और खर्चे इनकम के साथ साथ बढ़ते जाएंगे, यानी चाहे हम कितने भी पैसे कमा लें वो काफी नहीं होगा। ऐसे में अगर आप अपने इनकम को सही तरह से मैनेज करना चाहते हैं तो आप 50-30-20 रूल फॉलो कर सकते हैं। आइए जानते हैं 50-30-20 रूल ऑफ बजटिंग क्या है। इस रूल के हिसाब से आपको अपने इनकम को 50-30, 30-20 के प्रपोर्शन में डिवाइड करना चाहिए। 50% फॉर नीड्स। फूड, क्लोथिंग और शेल्टर को बेसिक ह्यूमन नीड्स माना जाता है, पर मॉडर्न लाइफस्टाइल में बेसिक नीड्स और भी बढ़ गए हैं। घर के एक्सपेंस के साथ साथ हमें टैक्सेस और EMIs जैसे कई कंपलसरी एक्सपेंसेस भी उठाने पड़ते हैं। ये एक्सपेंसेस आपके इनकम का 50% हिस्सा खा सकते हैं। 30% फॉर वॉन्ट्स। आज के जनरेशन के लिए पैसे कमाने का सबसे बड़ा मोटिवेशन है लग्जूरियस लाइफस्टाइल मेंटेन करना। फिर चाहे बात बड़ा घर या गाड़ी लेने की हो या फॉरेन ट्रिप पे जाने की हो, ऐसे में आप अपने इन वॉन्ट्स और डिजायर्स को इग्नोर नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, यू ओनली लिव वंस, पर आप इन्हें लिमिट ज़रूर कर सकते हैं। आप अपने इन वॉन्ट्स को फुलफिल करने के लिए अपने इनकम का 30% हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं। 20% फॉर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। एक्सपर्ट्स की माने तो आपको एटलीस्ट 20% ऑफ इनकम सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के लिए रखना चाहिए, और अगर हो सके तो आप इस प्रपोर्शन को बढ़ा सकते हैं। पर अगर आप सेफ और कंफर्टेबल फ्यूचर चाहते हैं तो आपको इस प्रपोर्शन को घटाना नहीं चाहिए। तो ये था 50-30-20 रूल ऑफ बजटिंग। अपने पैसे को मैनेज करने के ऐसे अलग अलग टेक्निक्स हम आपको आगे भी बताते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।